ये देखिए, हमने एक पुरानी बकेट ले ली है। इस बकेट में हमने पानी डाल दिया और जो किचन वेस्ट था वो किचन वेस्ट हमने ये बकेट में डाल दिया है। दिस इज गोइंग टू क्रिएट एन इंस्टेंट लिक्विड फर्टिलाइजर। लिक्विड फर्टिलाइजर, इंस्टेंट लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने का एक तरीका है। इसको हमें 2 महीने या 1-1.5 महीने का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमने भी काफ़ी सारे फल और फ्रूट के और वेजिटेबल तरकारी के जो वेस्ट है, जो स्किन्स है और खाल बोलते हैं हम हिंदी में, और जो भी वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट, इसमें हमने डाल दिया है। इसको हम रखेंगे 1 हफ्ता, 7 दिन रखेंगे, ये पूरा फर्मेंट हो जाएगा और डिग्रेड हो जाएगा और बहुत अच्छा खाद बनेगा। इसमें हर तरह के फ्रूट्स है और वेजिटेबल के वेस्ट है जो लेफ्ट ओवर्स है। तो इस खाद को हम चाहे गमले में का पौधे में डाल सकते हैं या गार्डन के पौधे में डाल सकते हैं। तो इंतज़ार करते हैं 7 दिनों तक, उसके बाद हम कैसे इस इंस्टेंट फर्टिलाइज़र को पौधों में इस्तेमाल करेंगे। Day 5, I have increased the level of water in this just 2 days ago. Now, in 2 days we are going to give this fertilizer to all our society garden plants. It's a wonderful fertilizer from kitchen waste, vegetarian kitchen waste. दोस्तों ये देखिए, ये जो खाद हमने बनाया है किचन वेस्ट का, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है। अब हम इसको हमारे गार्डन में इस्तेमाल करेंगे। इसका प्रोपोर्शन ऐसा होगा 1:20, 1 मग ये खाद हम लेंगे और 20 मग्स मतलब 20 लीटर पानी में मिलाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन खाद बनेगा और बहुत ही असरदार खाद बनेगा। तो शुरू करते हैं। ये लगभग 20 लीटर का बकेट है।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस पहुँचाएँ। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। गुड बाय।